अगर आप यूपी में रहते हैं और आज आप हमेशा की तरह अपने घर से किसी काम के लिए निकल रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल जाते जाते भी उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। यही वजह है कि सूबे में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ दिन पहले भी मौसम विभाग ने सबसे बड़े राज्य के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया था और आज शनिवार को भी भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो शनिवार 28 सितंबर को यूपी के 30 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, वाराणसी, संत कबीर नगर, चंदौली, ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, रायबरेली, अमेठी, अम्बेडकर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर शामिल हैं। इसके अलावा चित्रकूट, कौशाम्बी, मिर्जापुर, सोनभद्र, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, जालौन, औरैया, कानपुर देहात, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी के साथ उनके आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश का अनुमान बताया जा रहा है। बारिश के दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज सतही हवाएं चलने की भी संभावनाएं हैं। कहीं कहीं बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। बता दें कि शुक्रवार को अयोध्या, लखनऊ समेत यूपी के 58 जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिली। भारी बारिश की वजह से प्रदेश में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। तापमान में भी काफी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं भारी बारिश के ऑरेंज अलर्ट के चलते लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 अक्टूबर तक कई जगहों पर हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। हालांकि रविवार से बारिश पर हल्का ब्रेक लग सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।